अदानी ने एक और दाडला घाट और बरमाणा की सीमेंट प्लांट घाटे का हवाला देकर बंद कर दिए और 8,000 से ज्यादा ट्रकों को उनसे जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी ओर अब ये कंपनी चंडीगढ़ या अन्य जगहों से ही हिमाचल के अपने डिपो पर सीमेंट सप्लाई कर रही है ताकि कंपनी का बाजार पर कब्जा बना रहे। कंपनी के इस कारगुजारी का दाडला घाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर जमकर विरोध कर रहे हैं व जगह जगह ऐसे सीमेंट की गाड़ियों को रोका जा रहा है। वैसे तो कानूनी रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए ट्रक ऑपरेटरों के विरोध के बाद भी अधिकारी ज्यादा से ज्यादा ओवरलोड का चालान ही कर सकते हैं, वो भी यदि ट्रक ओवरलोड पाया जाए। वीरवार को स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों के ऐसे ही गुस्से का शिकार चंडीगढ़ से सीमेंट भरकर आए 4 ट्रैक्टर बने। शाला घाट के समीप बने 16 मील ACC सीमेंट डंप पर जब बाहर से आए ट्रक सीमेंट अनलोड करने लगे तो स्थानीय ऑपरेटरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि हंगामे के दौरान ऑपरेटर निराश भी लगे क्योंकि उनके विरोध को दरकिनार कर कंपनी अपने लाभ के लिए अनवरत व्यापार में लगी है। इस दौरान ऑपरेटर सरकार और प्रशासन के रवैये से भी खूब गुस्से में। डेस्क रिपोर्ट सोलन। ये हमारे को बिल्डियाँ देनी रहे हैं, अगर ये बिल्डियाँ नहीं देंगे तो मजबूरन हमारे को तो कंडा कराने ले जाना पड़ेगा पंत के पास दाडला घाट या कंडा घाट, जहाँ भी कंडा होगा वहाँ हम इनका कंडा करवाएंगे। इन गाड़ियों के जो 5 गाड़ियों के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं और 2-3 गाड़ियाँ जो धामी रोड पे लगी रोड पे ठीक है जी, इनके हम कंडे करवाएंगे। जो भी इनका उचित जो भी कार्रवाई कानूनन होगी वो हम इनके ऊपर करवाएंगे। अंडर लोड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंडर लोड है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। 400 देगा, हमने 1-2 गाड़ियों में देखे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेन बात यह है कि परमाणु बैरियर कैसे क्रॉस कर दिया, क्या वहाँ पे कंडेन लगे या प्रशासन नहीं है बैठा हुआ वहाँ? जो अंडरलोड गाड़ी थी उसकी दी आपने, जो ओवरलोड थी उसकी नहीं दी आपने। हम जो गाड़ी नंबर मांग रहे उनके दे दो आप। जो अंडरलोड थी ना गाड़ी उनकी दी आपने। हाँ जी हाँ जी, अंडर जो बाकी गाड़ियां उनकी दिखा दो, बात ही खत्म। घर का माल आया हुआ है, हमने ढंग के गिन ली है। RTO साहब का फोन स्विच ऑफ है। पुलिस को दिखा दो बिल्टी, बात खत्म।